सो आप देख के कैप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो व्लॉग है एंशिएंट टेम्पल है जो जम्मू का उसके बारे में है। सो बहुत ही पुराना टेम्पल हमने एक्सप्लोर किया जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में था, लेकिन बहुत ही पुरानी धरोहर है हमारी। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं हम नए मंदिर को देखने के सफ़र में। ओके के साथ, यहाँ से जो हम पहले वाला रास्ता हमने जो कल दिखाया था ना आपको, वो एक शॉर्टकट था जो कि खेत खेत में से आता था, बट यहाँ पर रास्ता भी है, बाय रोड भी आप जा सकते हो वाया कार। प्राचीन सा मंदिर जो कि मस्ट 200 साल पुराना है, आई थिंक सो। तो आज हम आए हैं अबताल विलेज की बहुत ही प्राचीन से मंदिर में, जो कि जिसको जो कि बमचक में है, जो कि अबताल विलेज में है। ये चामलियाल रोड पे ही है आई थिंक सो। तो ये बहुत ही विशाल मंदिर है, पुराना मंदिर है, बिल्कुल एंशियंट टाइम का, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है, ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे रेनोवेशन भी इन्होंने स्टार्ट की है इस मंदिर की। अंदर जाके देखते हैं कि कैसा ये मंदिर। ठीक है, आइए मेरे भी। तो हम जाएंगे मंदिर के अंदर, अब देखते हैं मंदिर की दीवारें कितने पुराने जमाने से बनी हुई हैं। इस मंदिर को न्यू बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, और इस मंदिर को जैसा ये था वैसा ही रेनोवेट कर रहे हैं। और जो नई दीवार मंदिर की बनी है वो सामने वहां देख सकते हो, सामने नई दीवार बनी है। हम देख सकते हैं कि मंदिर जो है अभी खस्ता हालत में था, कितनी दीवारें टूट चुकी हैं, बट हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करने का। देख सकते हो कितना खराब है। ये दीवार जो है अभी न्यू बन के तैयार हुई है, देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है जैसे कि सामने वाली दीवार है, बट वो पुरानी हो चुकी है और ये नई दीवार है, नई वॉल है। अब मंदिर के अंदर जाके देखते हैं हम। तो कलाकृति बनी हुई है जहाँ पे आई थिंक यहाँ मूर्ति होगी या यहाँ दिए लगाते होंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, जो कि बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर है। मंदिर के एक बार मैं चाहूंगी आप बाहर से दिखाएंगे कैसा है दीवारें। आप देख सकते हो कि उस जमाने के ये पेंट जो है पेंटिंग हुई हुई है। अब अगर इसको रिस्टोर करना है तो हमें इसी तरीके से वापस इसको रिस्टोर करना चाहिए। ये पेंटिंग कहीं कहीं दिखेगी आपको दीवारों में, बाकी तो खराब हो चुकी है, अंदर भी है पेंटिंग। और ये जो मंदिर है ऊपर, इस मंदिर की पेंटिंग सिस्टम कितने पुराने स्टाइल का ये मंदिर है, और कितनी प्यारी यहाँ पे नक्काशी की गई है और मंदिर में पेंटिंग की गई है। ये मंदिर किस यहाँ पर कितने साल पुराना है? 300-400 साल। ये मंदिर यहाँ के नागरिक का कहना है ये मंदिर 300-400 साल पुराना है। ये टूट चुका है पर अब रेनोवेशन में क्या पता नहीं इसको वापस रिस्ट्रक्चर किया जाए। और ऊपर की आप देख सकते हैं कितनी पुरानी तरीके से पेंटिंग्स को लिए, तभी जब अपने टाइम पे मंदिर होगा तो कितना खूबसूरत होगा, बट अब ये बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रखा गया है। आइए बाहर, चलो 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 बाहर पकड़ लेते हम।
हाँ ऊपर भी इन्होंने शायद नाग देवता बनाया हुआ है। ये शायद राम मंदिर भी, अभी तो राम भगवान जी का मंदिर है ये, राम मंदिर जिसे। और यहाँ पर भी देख सकते हो कितना पुराने तरीके से इन्होंने कितना प्यारा शिखर बनाया हुआ है। वही मंदिर है जो मैंने कल के ब्लॉग में आपको छोटा सा मैंने कहा था, जो शिखर दिख रहा है उसी मंदिर का शिखर। और ये पूरी जो ग्राउंड है इसके आसपास है, मंदिर के आसपास है जो मंदिर आई थिंक। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रूम होंगे, मंदिर के द्वार होंगे जो कि अब बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, तोड़ दिए गए हैं या टूट चुके हैं क्योंकि यह मंदिर काफ़ी साल पुराना है और बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पे कोई देख रेख नहीं थी मंदिर की, पर अब यहाँ पर इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला लिया गया है। सो आई होप आपको मेरा ये पुराना मंदिर जो कि कल्चर हेरिटेज और फूड जो मैं जम्मू और इंडिया का दिखाती हूँ वो आपको पसंद आया हो। और अगर आपको और भी ऐसे मंदिर देखने हैं या कुछ भी देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जो है ये मंदिर श्राइन बोर्ड के अंदर आया है और श्राइन बोर्ड ने इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, बट ये बहुत सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ था, ना यहाँ पर कोई मूर्ति थी और यहाँ के नागरिकों ने यहाँ पर फैसला लिया है कि इसको वापस रीस्टैब्लिश किया जाए और ये जो हमारी धरोहर है इसे बचाया जाए, क्योंकि यही हमारी हिस्ट्री है, यही हमारा हेरिटेज है जिसे बचाना ज़रूरी है। इसके अंदर जो कलाकृति है बहुत ही प्यारी थी, हेरिटेज है ये हमारा पुराना। सो आई होप आपको मेरे जैसे कि मैं जो भी आपको मंदिर दिखाती हूँ या जो भी अपने हेरिटेज के रिलेटेड दिखाती हूँ उनको पसंद आया हो। और अगर आपने कोई और मंदिर या ऐसा कुछ देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती भी की थी क्योंकि मंदिर के आगे थोड़ा सा अगर आगे जाओ तो पॉन्ड भी है, तो बच्चों ने वहाँ पर पेबल्स डाल डाल के अपनी गेम बना ली थी। ओ नहीं नहीं नहीं, तू रुक जा, तू जा, तू जा।